वेलकम फ्रेंड्स, हम सभी लोग मेटलर्जी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम की। जो भी बच्चे नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप की एप्लीकेशन या ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स, क्वेश्चन शीट्स, सॉल्यूशन शीट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराऊंगा, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज, इस टॉपिक के रिटन कंटेंट, जो लिखित नोट है, वो भी मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सभी लोग अच्छे से बस समझ भर लीजिए, जो आप अपने पॉइंट वाइज नोट्स बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस टॉपिक में बहुत अच्छा कर पाओगे। खैर, ये उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन थी जिनके पास टेलीग्राम ग्रुप में वो ज्वाइन नहीं है। अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। देखिए, हम सभी लोगों ने मेटलर्जी टॉपिक में क्या चीज सीखी हुई थी कि हमने खनिज से अयस्क को निकाल लिया और अयस्क को पहले पीस दिया, पीसने के बाद उसमें से अशुद्धियां या कहें तो गैंग को अलग कर दिया। इस प्रक्रिया को हमने बोला अयस्क का सांद्रण। मतलब अब हम लोग अयस्क का सांद्रण कर चुके हैं। अयस्क का सांद्रण हमने चार विधियों से किया था, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि या फिर लीचिंग प्रोसेस या निछालन विधि। हमने चार विधियों से हमने अयस्क का सांद्रण कर दिया। अब हमें जो मिल गया उसको हम बोलते हैं सांद्रित अयस्क। अब हम उस सांद्रित अयस्क से आगे बढ़ते हैं, उस सांद्रित अयस्क से आगे की प्रोसेस करते हैं। देखो, हम आगे की प्रोसेस को समझाने से पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, थोड़ी देर के लिए कॉपर का एक अयस्क है या एल्यूमिनियम का एक अयस्क, हम दोनों ले लेते हैं, चलो ठीक है। हमने कॉपर का एक अयस्क लिया जिसका नाम था CuFeS2, शायद आपको नाम याद आ रहा होगा, CuFeS2। ये इसका नाम क्या होता है, कॉपर पाइराइड, या जिसको हम बोलते हैं कैल्कोपाइराइड। ये किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क, ठीक है। हमने एक और एग्जांपल ले लिया, चलो आप ही बताओ। हमने ले लिया FeCO3, इस ये भी अयस्क है, आयरन का अयस्क है। देखो याद करो क्या होगा, इसको बोलते हैं सेडेराइड, होता ना। एक और नाम ले लिया, चलो हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये अयस्क नहीं है, ये जस्ट एक कोई पार्ट, चलो नहीं इसे हटा दो, आप इसको बताओ, ठीक है। Al2O3.2H2, इसको क्या बोलते हैं, बॉक्साइड, है ना, बॉक्साइड। अब थोड़ा सा इस चीज को नोटिस करो। देखो, हमें टॉपिक को नहीं बताना, टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको, दो मिनट बाद। हमारे पास टारगेट क्या हुआ कि हमने सांद्रित अयस्क को प्राप्त कर लिया, इतनी चीज तो क्लियर हो गई। अब सांद्रित अयस्क को प्राप्त करने के बाद हम आगे का स्टेप क्यों लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, मैं उसको सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो, हमारे पास बॉक्साइड अयस्क है, इसमें ये जो 2H2O है ये फालतू सा जुड़ा हुआ है, हम चाहते हैं यार ये जुड़ा ना हो, ये हट जाए, ठीक है। FeCO3 या जिसको हम सिडेराइड कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि नहीं यार ये अगर हम इसको गर्म कर दें तो ये तो टूट जाएगा ना, FeO और CO2 में, तो ये कहीं ना कहीं ये अयस्क जो बड़ा भारी लंबा चौड़ा था वो अब छोटे से ऑक्साइड में बदल गया ना, ये तो सल्फाइड के रूप में है, सल्फर के रूप में है। मतलब हमारा अयस्क किस रूप में है, सल्फर के रूप में है। हमारा टारगेट होता है कि हम अयस्क को ऑक्साइड के रूप में बदल लेते हैं। मतलब अभी तक ऑक्साइड रूप में है तो देखो बहुत अच्छी बात है, ये देखो ऑक्साइड के रूप में ही था, हमारा केवल इतना सा काम था कि हमें H2 हटाना था, ऑलरेडी ऑक्साइड था। ये देखो ऑक्साइड के रूप में नहीं था, मगर इसको गर्म करने से ये ऑक्साइड में बदल गया, बढ़िया चीज है। ये तो सल्फर के रूप में है, हमें इसमें ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा, मतलब इसको ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। तो हमारे पास अब टारगेट ये है कि हमने सांद्रित अयस्क को प्राप्त कर लिया, अयस्कों का सांद्रण कर दिया, मतलब हमें सांद्रित अयस्क मिल गया। अब हमें क्या करना है, उस सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना है, ऑक्साइड में बदलना है। और अगर ऑक्साइड में नहीं बदलना है
तो हमें उसमें से जो जल है, क्रिस्टलन जल के अणु है, इनको अलग करना है, या जो कार्बोनेट है उसको ऑक्साइड में बदलना है, मतलब कुछ तो करना है। तो ये जो कुछ भी स्टेप्स हम लेने वाले हैं वो स्टेप्स कहलाते हैं, या उस प्रोसीजर का नाम होता है सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण। ध्यान से समझिएगा, सांद्रित मतलब हम पिछला स्टेप रिलेट कर रहे हैं, हमने जो अयस्कों का सांद्रण किया था उससे हमको क्या मिल गया, सांद्रित अयस्क, और अब हम उसका क्या कर रहे हैं, धातु ऑक्साइडों में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। अब धातु ऑक्साइडों में ऑक्सीकरण करने के लिए हमारे पास कुल दो विधियां होती है, क्योंकि डॉट डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है हमें क्या करना है, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण दो विधियों से होता है। कौन कौन सी विधियां हैं, एक का नाम है निस्तापन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैल्सिनेशन, और दूसरे टॉपिक का नाम है भर्जन, दूसरी विधि का नाम है भर्जन, जिसको हम कहते हैं रोस्टिंग। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन किस तरह से आता है बोर्ड में, बोर्ड का ये दो नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और लगभग हर दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है, परावर्तनी भट्टी में, ये नाम सुना होगा आपने, परावर्तनी भट्टी में कौन से रासायनिक प्रक्रम कराए जाते हैं, हमें नहीं पता है कौन से कराए जाते हैं, बट क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि परावर्तनी भट्टी में कौन से रासायनिक प्रक्रम कराए जाते हैं, और इन रासायनिक प्रक्रमों का इक्वेशन देना है, समीकरण देना है, रासायनिक समीकरण देना है, और फिर हमें ये समझाना है कि हाँ यहां अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तन हो रहा है, मतलब जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो रहा है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा यही क्वेश्चन का देखो तरीका दूसरे तरह से पूछा जाता है कि भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है बताओ, और इन प्रक्रियाओं को कौन सी भट्टी में कराते हैं उसका चित्र बनाओ। तो सबसे पहले हमारा टारगेट समझिएगा, हमारा टारगेट कितना सा है, सांद्रित अयस्क को अब हम ऑक्साइड में बदलना चाहते हैं। सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए हमारे पास कुल दो मेथड है, एक का नाम है भर्जन, एक का नाम है निस्तापन। चाहे भर्जन हो चाहे निस्तापन हो, ये दोनों ही प्रोसेस कहां पर कराए जाते हैं, परावर्तनी भट्टी में। परावर्तनी भट्टी को हम परावर्तनी भट्टी क्यों कहते हैं, इसको आप आइए हम भट्टी को समझते हैं, तो आपको परावर्तन और परावर्तनी भट्टी चीज क्लियर हो जाएगी। बट परावर्तनी भट्टी से पहले हम थोड़ा सा आपको भर्जन और निस्तापन को समझाएं, तब फिर हम भट्टी को लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं किसकी, निस्तापन की। ठीक है, देखो निस्तापन में हमें क्या चीज पूछी गई है, आपसे पूछा गया निस्तापन क्या होता है, तो देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सीधा सा आंसर है, क्या लिखोगे कि सांद्रित अयस्क को, ध्यान से समझना, क्या लिखोगे, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम तापमान पर, गलनांक से कम तापमान पर वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया, गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती, मतलब हाँ ये हुआ कि हमारे पास जो सांद्रित अयस्क है हम उसको गर्म करेंगे, मगर जैसे हम आपसे कहें कि लो ये आलू को गर्म कर दो पानी में डालकर, तो आप क्या करते हो, पानी में आलू डालते हो गर्म कर देते हो, मतलब उस आलू के कांटेक्ट में क्या आती है, एयर आती है, हमें एयर नहीं चाहिए, वायु नहीं चाहिए, हमें उसको गर्म करना है मगर वायु की क्या चाहिए, अनुपस्थिति चाहिए। क्या चाहिए, वायु की क्या चाहिए, अनुपस्थिति, एब्सेंस, अनुपस्थिति चाहिए, इसलिए वायु नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना से निकल आई जाएगा निस्तापन। निस्तापन से मतलब आप कैसे कहेंगे कि सांद्रित अयस्क को
वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे तापमान तक गर्म करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, निस्तापन। अब इस निस्तापन में क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहला काम तो ये है कि इसमें जो क्रिस्टलन जल वह निकल जाता है, पूरा लिख लीजिएगा या लिख दे रहे हैं, क्रिस्टलन जल क्या हो जाता है, निकल जाता है। यह पहला काम है भाई, क्रिस्टलन जल कैसे निकलता है आप खुद देखो, आप उदाहरण देखते हो Al2O3.2H2O, हमने अभी भी सिखाया था, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलते हैं ना। अगर हम बताओ इसको गर्म कर रहे हैं और वायु ना दें तो ये जल है वो गर्म करने पर निकल जाएगा, इसका मतलब क्या निकल जाएगा, Al2O3+2mol of H2। तो ये प्रक्रिया होती है निस्तापन में। पहली प्रक्रिया तो क्या होती है कि यदि अयस्क में क्रिस्टलन जल मौजूद है तो वो क्रिस्टलन जल निकल जाएगा, पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है कि कार्बोनेट एवं हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एवं हाइड्रोक्साइड का संगत धातु ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, देखो कार्बोनेट एक अयस्क का नाम ले लेते हैं FeCO3। अगर हम इसको गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में तो ये टूट जाएगा और क्या बनेगा, FeO और CO2। तो मतलब ये जो सेलेराइट था ये फेरस ऑक्साइड में बदल जाएगा, मतलब जो कार्बोनेट है वो धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा। यदि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कहोगे ये तो कोई अयस्क नहीं है, कोई बात नहीं, ये जब हम आगे एल्यूमिनियम पढ़ेंगे तो ये निकलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और अगर हम उसको गर्म कर देंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है, Al2O3 में, और साथ में क्या बनता है, 3H2। तो आप बताओ सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि क्रिस्टलन जल निकल गया, अगर कार्बोनेट था तो वो ऑक्साइड में बदल गया, अगर हाइड्रोक्साइड था तो वो भी किसमें बदल गया, ऑक्साइड में बदल गया। तो ये तीन फायदे हमारे हो गए। और एक फायदा और होता है कि जब क्रिस्टलन जल निकल जाता है, CO2 गैस निकल जाती है, तो वो जो अयस्क है वो पोरस हो जाता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र डेवलप हो जाते हैं, जैसे आप देखो स्पंज देखोगे तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस तरह का स्पंजी टाइप का हो जाता है, पोरस हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया किसमें होती है, निस्तापन। तो हमें लगता है कि आप निस्तापन की परिभाषा और समीकरण आसानी से लिख सकते हो। आपको क्या चीज लिखनी है आपको कि जब अयस्क को उसके गलनांक से कम तापमान पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रिया को परावर्तनी भट्टी में कराते हैं, कैसे कराते हैं समझा रहे हैं। इस प्रक्रिया में आपको समीकरण लिखने हैं, Al2O3.2H2O गर्म करने पर Al2O3+2H2O, दूसरा समीकरण क्या लिखना है, FeCO3 गर्म करने पर क्या मिलेगा, FeO+CO2, और तीसरा समीकरण क्या लिखना है, 2 moles of AlOH का whole thrice गर्म करने पर क्या मिलेगा, Al2O3+3 moles of H2। ऐसा नहीं है कि आप यही समीकरण ले सकते हो, और भी समीकरण आप ढूंढ करके ले सकते हो। तो ये सारी प्रक्रियाएं किसमें होती है, भर्जन में। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर एक दूसरी प्रक्रिया की जिसका नाम होता है, सॉरी ये प्रक्रिया थी विस्थापन, अब हम दूसरी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं जिसका नाम है भर्जन, और इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। सेम चीज है, सांद्रित अयस्क को गलनांक से कम तापमान पर वायु की उपस्थिति, अभी वह हम क्या क्या थी, अनुपस्थिति, अब यह क्या हो जाएगी, वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। पूरा का पूरा डेफिनेशन सेम है, हम क्या लिखेंगे कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम तापमान वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं भर्जन या रोस्टिंग कहते हैं। इसमें फायदे कुछ अलग तरीके के, देखिए पहला फायदा क्या होता है कि जो हमारे पास अवाष्पशील अशुद्धियां हैं, देखो अवाष्पशील अशुद्धियां किसकी है, याद कर लीजिएगा, सल्फर की और आर्सेनिक की। देखो
जब भी हम कोई अयस्क निकालेंगे उसमें ये कंफर्म बात है कि थोड़ा बहुत सल्फर और आर्सेनिक मौजूद रहता ही रहता है, कम होगा अलग बात है बट होगा जरूर। तो अवाष्पशील अशुद्धियां जो है वो किसमें बदल जाती है, वाष्पशील ऑक्साइडों में, वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती है। ये पहला फायदा है, अगर हम भर्जन करते हैं तो जो अवाष्पशील अशुद्धियां हैं वो किसमें बदल जाएंगी, वाष्पशील ऑक्साइडों में। अब देखो इसकी इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं उसकी आप प्रैक्टिस करोगे कम से कम दो दो चार चार पांच पांच बार करोगे। देखो इक्वेशन क्या है, एस प्लस ओ टू बराबर एसओ टू। देखो वायु मिल गई सल्फर को, ये क्या हो गया एसओ टू, फोर एस आर्सेनिक जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और हमको मिलेगा टू मोल्स ऑफ ए एस टू ओ थ्री। ये जो भी पदार्थ बन रहे हैं चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो चाहे वो आर्सेनिक ऑक्साइड हो, दोनों ही गैसियस पदार्थ होते हैं, गैस वाले पदार्थ होते हैं, देखो यहां निकल जाते हैं बाहर। तो पहले जब तक सल्फर था तब तक तो वो सॉलिड था, ठोस था, उसके अंदर था, मगर जैसे ही हमने उसका भर्जन कराया तो हमने क्या देखा कि वो ऑक्साइड में बदल गया और गैस के रूप में बाहर निकल गया। ये हमारा पहला फायदा होता है। अब दूसरा फायदा ये क्या होता है कि जो हमारे पास जो हमारा अयस्क है, ठीक है, जो हमारा अयस्क है वो किसमें बदल जाता है, ऑक्साइड में। मैं यहीं पे लिखता हूं मिटा करके, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, दूसरा बेनिफिट है कि अयस्कों का ऑक्साइडों में आंशिक परिवर्तन हो जाता है, आंशिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। मतलब जो सल्फर था वो हट के उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं कि जो हमारे सल्फाइड आयस्क थे वो किसमें बदल गए, ऑक्साइड में बदल गए। देखो इसका जो इक्वेशन लिख रहा हूं कम से कम चार बार लिखिएगा, पांच बार लिखिएगा रफ कॉपी पे, ठीक है, क्योंकि इन समीकरणों को हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो बहुत सिंपल सिंपल समीकरण है जो मैं लिख रहा हूं, कॉपर पाइलेट का सूत्र पता है, कॉपर पाइलेट का सूत्र क्या होता है, CuFeSt, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, O2 से। तो हमारा आउटपुट क्या निकलता है, हमारा आउटपुट है हमको मिलेगा Cu2S मिलेगा, Cu2S मिलेगा प्लस FeS मिलेगा प्लस SO2 गैस मिलेगी। पहला समीकरण, एक अणु CO2 का, एक मोल CO2 का कॉपर पाइरेट से जुड़ेगा, क्या मिलेगा, Cu2S, FeS और SO2, पहला इक्वेशन, ठीक है। Cu2S जो मिला है उसके दो मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे 3O2 से तो हमको मिलेगा टू मोल्स ऑफ Cu2O मिलेगा। देखो ऑक्साइड बदल गई है और साथ में मिलेगी SO2 गैस, और उसके बाद जो FeS है उसकी रिएक्शन भी किससे होगी, ऑक्सीजन से, तो आपको मिलेगा टू मोल्स ऑफ FeO प्लस टू मोल्स ऑफ SO2। तो ये इक्वेशन आपकी होती है, मतलब जो सल्फाइड अयस्क है वो किसमें बदल गया, ऑक्साइड में, पूरी तरह नहीं बदलता है, कुछ इसका हिस्सा ऑक्साइड से बदलता है और ये प्रक्रिया भी परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। देखो आप सभी बच्चे रिएक्शन पर आपको लिख करके कमांड करनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हो कि आपको ये चीज अच्छी आ जाए तो आप रख पर मेरे कहने पर रिएक्शन लिखो, मैं जो बोलता हूं आप फटाफट लिखो। आप सबसे पहले लिखो भर्जन की पांचों रिएक्शन, क्या इक्वेशन लिखोगे, एस प्लस ओ टू बराबर एसओ टू, याद आ गया ना, एस प्लस ओ टू, इससे पहले जो लिखा था एस प्लस ओ टू बराबर एसओ टू और फोर मोल्स ऑफ ए एस प्लस थ्री मोल्स ऑफ ओ टू बराबर टू मोल्स ऑफ ए एस टू ओ थ्री, दूसरी इक्वेशन थी सल्फर बदल गया एसओ टू में और आर्सेनिक बदल गया था आर्सेनिक ऑक्साइड में। अब जो तीसरी इक्वेशन है उसमें क्या है, CuFeS2 प्लस वन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा, Cu2SFeS प्लस SO2। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये जो Cu2S है इसके कितने मोल यूज होंगे, दो, FeS के कितने मोल यूज होंगे, दो, और ऑक्सीजन के कितने यूज होंगे, तीन, तो टू मोल्स ऑफ Cu2S प्लस 3O2 बराबर क्या हो जाएगा, टू मोल्स ऑफ Cu2O प्लस टू मोल्स ऑफ SO2,
और यहाँ पर FeO वाली अगर हम इक्वेशन को लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 मोल्स ऑफ FeS प्लस 3O2 बराबर 2 मोल्स ऑफ FeO प्लस 2 मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा SO2। मतलब जो सल्फर आयस था, सल्फाइड आयस था, वो किसमें बदल गया, ऑक्साइड में। देखो ये इक्वेशन आप 4-5 बार लिखो, जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप भूलोगे नहीं, तब तक वो चीजें आपको नहीं आएंगी। अगर आपने लिख लिया है 4-5 बार तो आपको ये रिएक्शन याद हो जाएगी। अब हम आपसे पूछें कि बताओ निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, तो आप कहते हो निस्तापन में हम अयस्क को गर्म करते हैं उसके गलनांक से नीचे वायु की अनुपस्थिति में, और यहां पर भर्जन में क्या करते हैं, गलनांक से नीचे यहां पर भी गर्म करते हैं, मगर यहां करते हैं उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में हम यहां पर गर्म करते हैं। वहां क्या होता है, कार्बोनेट बदल जाते हैं ऑक्साइड्स में, हाइड्रोक्साइड बदल जाते हैं ऑक्साइड्स में, और अयस्क क्या हो जाता है, सरंध हो जाता है। यहां पर अवाष्पशील अशुद्धियां निकल जाती हैं वाष्पशील ऑक्साइड्स में, और जो सल्फाइड अयस्क है वो किसमें बदल जाता है, ऑक्साइड्स में। इधर पर इक्वेशन लिख दोगे और इधर पर इक्वेशन लिख दोगे, इक्वेशन कौन सी लिखोगे, निस्तापन में Al2O3.2H2O गर्म करने पर क्या मिलेगा, Al2O3+2H2O, FeCO3 गर्म करने पर क्या मिलेगा, FeO+CO2, और 2 मोल्स ऑफ AlOH का होल थ्राइस गर्म करने पर क्या मिलेगा, Al2O3+3H2O। ये तीनों इक्वेशन कहां हो जाएंगे, निस्तापन में, और भर्जन के साथ समीकरण क्या हो जाएगा, S+O2=SO2, 4As+3O2 2 मोल्स ऑफ As2O3, CuFeS2+O2=Cu2S+FeS+SO2, और 2 मोल्स ऑफ Cu2S+3O2 2 मोल्स ऑफ Cu2O+2 मोल्स ऑफ SO2, और 2 मोल्स ऑफ FeS+3O2 2 मोल्स ऑफ FeO+2 मोल्स ऑफ SO2। इतनी इक्वेशंस आप लिखोगे दोनों तरफ, तब जाकर के हमारा भर्जन और निस्तापन का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये दोनों प्रक्रियाएं होती कहां है, तो हमने आपको बताया कि ये दोनों प्रक्रियाएं कहां पर होती हैं, परावर्तनी भट्टी में होती हैं, और परावर्तनी भट्टी का ये चित्र बना हुआ है। इस भट्टी में देखो हम आंच जो है, जो हम आग जलाते हैं, या जो कहो तो जो लिखा है ना फायर बॉक्स, जहां हम जो आग जलाते हैं अयस्क को गर्म करने के लिए, वो आंच से अयस्क सीधा गर्म नहीं होता है, ये जो आंच निकलेगी ये ऊपर टकरा करके फिर यहां इसको गर्म करेगी, मतलब ये ऊष्मा का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। देखो ये ऊष्मा यहां से गई और टकरा करके यहां आई, तो ये ऊष्मा का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, परावर्तन की प्रक्रिया हो रही है यहां पर, इसलिए हम इस भट्टी को बोलते हैं परावर्तनी भट्टी। इज क्लियर है। इस भट्टी में देखो क्या चीज है, ये हमारा है सांद्रित अयस्क, ये सांद्रित अयस्क है जिसको हमने बोला है घान। घान क्यों बोला है कि हम सांद्रित अयस्क में कुछ और भी चीजें मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहां पर हम कह सकते हैं कि ये चीज क्या है, सांद्रित अयस्क है, या कहें तो ये चीज क्या है, घान। घान को भरने के लिए ये चीज जो ऊपर का हिस्सा है जिसको बंद कर दिया जाता है, इसका नाम है हॉपर। हॉपर की सहायता से घान को हम यहां पर रखते हैं। अब ये जो गोल गोल दो छिद्र लगे हुए हैं इसको बोलते हैं ट्वियर। ये जो ट्वियर्स हैं, इनसे वायु को हम अंदर भेजते हैं। अगर हमें निस्तापन करना है तो इसको बंद कर देंगे, वायु की अनुपस्थिति हो जाएगी, और इन ढक्कन को खोल देंगे तो इसमें वायु अंदर प्रवेश कर जाएगी, और इसमें कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, भर्जन की प्रक्रिया हो जाएगी। अब देखो फायर बॉक्स से ऊष्मा निकली, परावर्तन से ये गर्म हुआ, गर्म होने में आपको वायु की अनुपस्थिति चाहिए तो वो भी है, उपस्थिति चाहिए तो वो भी है, फाइनली ये सब रिएक्शंस इसमें होंगी, और रिएक्शन होने के बाद ये अयस्क ऑक्साइड्स में फाइनली बदल जाएगा, और जो वेस्ट गैसें हैं वो यहां से बाहर निकल जाएंगी। इस पोर्शन को हम बोलते हैं चिमनी, और ये चित्र है किसका, परावर्तनी भट्टी का, और भर्जन निस्तापन की प्रक्रिया हम इस भट्टी में कराते हैं। आप सभी लोग इस चित्र को बना लोगे, भर्जन निस्तापन को लिख लोगे, और टेलीग्राम ग्रुप पर जब मैं अपना नोट्स भेजूंगा तो आप उसको कॉपी कर सकते हो। तो देखो एक चीज और यहाँ पर नोट्स के संबंध में आपको बता दें, कुछ बच्चे नोट्स को लेकर एकदम पागल हैं, उनको लगता है नोट्स मिल गया मतलब उसकी पढ़ाई होगी, पढ़ाई नोट्स से नहीं होती है बेटा। नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, सारी चीजें किताब में लिखी हुई है, हर चीज अवेलेबल है, आप खुद से करके सीखो। हम हमेशा कहते हैं खुद से करके सीखो, आप एक बार नोट्स बनाना सीख जाओगे, आप सीख जाओगे कि टीचर का बोर्ड पर लिखा हुआ हम कितनी चीज लिखें और कितनी चीज छोड़ें, तो आप खुद ब खुद बड़े बड़े लेक्चर्स को बहुत आसानी से नोट डाउन कर लोगे छोटी सी समरी बना करके। खैर बोर्ड में चूंकि लिखना पड़ता है इसलिए आप इसका व्यवस्थित नोट्स बनाइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आप सभी लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उम्मीद है आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो क्रम से देखते चलेंगे जिससे आपका कोई टॉपिक छूटे ना। थैंक यू।